हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 199 का पहला पार्ट, तो देखते हैं भाई। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा भाई, माँ ऋषि आए थे माँ देव जी के पास, तो आगे देखते हैं भाई। ऋषि और अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो आप सबसे सुंदर वन में कुछ समय व्यतीत करने की अनुमति चाहता। ओह अच्छा, अनुमति चाहिए सरकार। आ क्या है? आगे प्यार से अनुमति लेने के पश्चात आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। अनुमति चाहिए बस। रीजन है पीछे रीजन का बता था। हाँ? वो अपने आप को बड़ा समझ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो इतना प्यार से उनसे लगी है ना ज्यादा। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी ने आपको भोजन ग्रहण करने हेतु बुलाया। उनसे कह दीजिए कि हमें भूख नहीं। महाराज, वो जा चुकी है। शांता, इसीलिए तो ऐसा प्रतीत होता है मैनवती, जैसे ये भावनी है बल्कि ये सारा संसार। सुना हो क्या? महाराज, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, पार्वती महादेव के सानिध्य में। अब वो पूरे संसार को अपनी करुणा और दया दृष्टि से प्रसन्न कर देगी। यहाँ हो रहे अन्याय से परिचित होते हुए भी आप प्रस्थान का विचार कैसे कर सकते हैं? यहाँ उपस्थित सारी ऋषि पत्नियां आपकी पूजा करना चाहती हैं, किंतु उनकी भक्ति पर उनके पतियों द्वारा अंकुश लगाकर वे स्वयं की पूजा करवा रहे हैं, क्या ये अन्याय नहीं है? अपने पतियों की पूजा करने के पश्चात यदि उनकी श्रद्धा मेरे लिए, तो परोक्ष रूप से वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। वो अपने पतियों में भी मेरे रूप को ढूंढती है। मेरी मेरी मात्रों की पूजा ही नहीं, अभी तो अपने प्रेम का प्रस्फुटन भी है। हमें आपके कथन पर संदेह है। यदि ये सत्य है तो आप उनसे उनके पतियों के समक्ष अपनी पूजा अर्पित करवाना, उसके पश्चात ही हमें आपके कथन पर विश्वास होगा। क्या ये चुनौती है देवी?
संभव था। तुम सबके हृदय में मेरे प्रति जो अपार श्रद्धा है, मैं उससे परिचित हूं और मैं तुम्हें इस भक्ति को अभिव्यक्त करने हेतु सहायता करूंगा। बहुत प्यासा हूं देवी, थोड़ा जल प्रदान करने की कृपा करें। नहीं नहीं नजदीक आएंगे। देवियों, ये क्या है? देखा नहीं अभी तक। अब कुछ हो और एक आर्य प्रेम द्वारा ही संभव हो सकता है। महर्षि खुद आ गए हैं। दुष्प्रत्य को शीघ्र समाप्त करो धूम्रलोचन। उचित है ऋषि दधीच, यदि आप में मुझे रोकने की क्षमता है तो रोक लीजिए, मैं चला जाऊंगा। खत्म। ओ ये बड़ा अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है तो कहीं और जाके करो धूम्रलोचन। ले जाओ और ये इधर अब नहीं उठेंगे, उठने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तुमने धूम्रलोचन को परास्त करके असुरों को पुनः एक बार युद्ध के लिए ललकारा है। आज यदि तुम्हें देवताओं की रक्षा करनी है तो अब तुम्हें दत्त बीज को परास्त करना होगा। दत्त बीज ये है।
अब होगा सर। क्या हुआ? वाह महादेव जी, आप भाई रूप बदल कर आए हैं। लेकिन देख लो भाई, पति भक्ति में वो कितनी खोई हुई है, और महादेव जी उनके सामने गए हैं, सामने जाकर बैठे हैं, फिर भी उन्होंने भाई देखा ही नहीं। बस ये चीज़ होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए ना, कि जो भाई एक बार ऐसे दबोचा है ना भाई महर्षि दधीचि जी ने इनको, वो तो भाई बहुत पावरफुल बन के आया था कि मैं हर चीज़ ख़त्म कर दूंगा। देखा नहीं कि भाई वो उन्होंने भाई वो कोई धुआं सा उसने छोड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असर हो गया था। लेकिन एकदम से ऐसे भाई मरोड़ा है कि वो बेचारा वैसे जमीन पर मारा है महर्षि ने, फिर नहीं उसके बाद उठा। अब असुर हैं वो अपनी सारी सेना के साथ आते रहेंगे, तो महर्षि दधीचि को अब भाई थोड़ी पावर अपनी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो ये मूर्ख थोड़ी चढ़ाई कर जाएंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है भाई। और इधर महादेव जी अपना रूप बदल कर आए हैं भाई, तो अब आगे देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा भाई। नहीं सही बात है भाई, पार्वती जी ने बोला है महादेव जी को आप उनको मुक्त करें, क्योंकि वो एक अपने मतलब के पति हो जो उनके है ना, वो यही चाहते हैं कि वो उनकी पूजा करे और वो ही उनको हर चीज़ समझने के, लेकिन समझना उन्होंने स्टार्ट की हुई है, लेकिन उनके दिल में या वो पति की सूरत में देखती हैं महादेव जी को, आगे उनकी पूजा कर रहे होते हैं, आपकी वो पूजा कर रहे हैं और हर चीज़ आपके लिहाज से हो रही है। तो अब महादेव जी ये मामला भाई एक सुलझाएंगे तब भी जाकर पता चलेगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई हम थोड़ा सा ज़रूर परेशान थे कि जो है ना वो महादेव जी इधर हैं और महर्षि दधीचि के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन ये कि नहीं, ये नहीं पता था कि उनके पास भी सातक पावर है कि उन्होंने एक मिनट के लिए जो है ना उसको जो है ना दबोच दिया, है। लेकिन ये कि इधर अब जो है ना वो ज़रूर उन्होंने प्रॉमिस किया है पार्वती जी के साथ, और उनको उनकी असल या असल सीधे रास्ते पे जो उनके लाइन पहले थी उसके ऊपर वो ज़रूर लेके आएंगे, और अब वो लीला भी स्टार्ट होगी। आपने देख लिया एक नए रूप में आ गए। अब मामला क्लियर होगा भाई। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।